इतिहास में सिलसिला लगातार चलता रहा और मगध में एक के बाद दूसरे ब्राह्मण वंश, कर्म वंश और जो गुप्त वंश थे वो भी धौराणी धारणी गोत्रीय ब्राह्मण है प्रभावती गुप्त अपने वाकाटक महाराष्ट्र में उनका विवाह हुआ और प्रभावती गुप्त गर्व से कहती है कि मैं धारणी गोत्र के शासक की पुत्री हूँ। ये धारणी गुप्त धर्मारण्य क्षेत्र के शस्त्र धारण करने वाले अयोध्या ब्राह्मणों का गोत्र है और आज भी अपने बिहार में बाढ़ बढ़िया और मोकामा क्षेत्र में धौराणी नाम के भूमिहार ब्राह्मण है। ये उसी परंपरा के बाद इतिहास का ये लंबा सिलसिला चलता रहा और आज की सभा में मैं स्वामी जी पर आना चाहूंगा, इतिहास के उन और बिंदुओं की ओर जाकर भटकना नहीं चाहूंगा। मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता आंदोलन के कैसे कालखंड में स्वामी जी हमारे सामने आते हैं। यह एक दुविधा का काल है। गांधी जी के सत्याग्रह के रहस्यवाद को भारत समझता भी है और नहीं भी समझता। गांधी जी के साथ जमनालाल बजाज भी, दरभंगा के महाराजा भी हैं, महाराजाओं का भी सहयोग प्राप्त है, ब्रिटिशर भी उनके मित्र हैं। भारत में 1920 से 22 तक चलने वाला सहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। नित्य नई जातीय संस्थाओं का जन्म हो रहा। 1902 से लेकर यदि 20 तक के काल में देखेंगे बिहार उत्तर प्रदेश में प्रायः हर वर्ष एक नई जातीय सभा सामने आ रही थी। जो तथाकथित निम्न वर्ग के भाई थे वो भी जातीय सभा बना रहे थे। अखिल भारतीय कुर्मीम जाति सभा आ रही थी, कभी कैस जाति सभा आ रही थी, कभी कहार जाति सभा आ रही थी, कभी रवानी सभा आ रही थी। ऐसे जातीय सभाओं ने अपना वर्चस्व कायम करना शुरू किया था। एक विभंजित हो रहे विखंडित होते हुए समाज के लिए स्वामी जी ने सबसे पहला आदर्श तो यही दिया, भूमिहार ब्राह्मण सभा को समाप्त किया। एक भूमिहार ब्राह्मण होकर भी उन्होंने समाप्त किया और कहा कि जातीय सभाओं का सिलसिला बंद हो। हमारा प्राथमिक उद्देश्य, आत्यंतिक उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति है और भारतवर्ष के एक एक किसानों को त्राण देना है, इसलिए जातीय सिलसिलाएं समाप्त हो। स्वामी जी ने पहला एक काम करके बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। पूरे भारतवर्ष की राजनीति में गांधी जी के द्वारा जागरूकता पैदा करने का एक अपना उद्देश्य, एक अपनी पद्धति थी। हम रचनात्मक कार्य करेंगे, चरखा बांटेंगे, लोग खादी बुनेंगे, इससे सत्याग्रह का भी प्रसार होगा। सत्याग्रह के समय हम आंदोलन में भाग लेंगे, बाकी समय हम रचनात्मक कार्य करेंगे, राष्ट्र के सभी वर्ग में सहयोग करेंगे। कांग्रेस की भाषा थी, कांग्रेस की वाणी थी, पर जो स्थिति थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो कितनी दयनीय थी। 300 साल के विदेशी शासन ने किसानों को किस स्थिति में पहुंचाया था, वो चंद राजनीतिक रचनात्मक कार्यों से, वो दो चार गांधी आश्रमों से कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता था। उसके लिए जरूरी थी एक समग्र क्रांति की, एक किसान राष्ट्रवाद की। जब तक किसान राष्ट्रवाद का चोला नहीं पहनता, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सफल नहीं हो सकता। और इसलिए स्वामी जी ने के दंड को, उसके भुजदंड को इतनी समर्थता, इतनी शक्ति दी जाए कि वो राष्ट्रीय चैतन्य का वाहक बन जाए, वो भिड़ंत की राजनीति में सक्षमता के साथ सामने आए। और स्वामी जी की राजनीति सीधे भिड़ंत की राजनीति थी। वो जानते थे कि 1,00,000 अंग्रेजों के कारण भारत गुलाम नहीं है, जो अंग्रेजों की गुलामी के देश में वाहक है और उस गुलामी को तोड़ने की जरूरत थी, वरना भारत की क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती थी। और यदि आज आप भारत को भारतीयों के हाथों बहुत अंशों में पराधीन पाते हैं, विवश पाते हैं, तो वो इस कारण से है कि स्वामी जी के उस किसान राष्ट्रवाद की वाणी और भाषा को हमने या तो समझा नहीं, और यदि समझा तो जानबूझकर राजनीतिक कारणों से प्रतिकार किया। स्वामी जी ने कई विकल्प खोजने शुरू किए और स्वामी जी को एक विकल्प सुभाष चंद्र बोस का मिलता है। स्वामी जी को कभी जयप्रकाश नारायण का विकल्प मिलता है। कांग्रेस देश का सबसे बड़ा संगठन है, जानकर स्वामी जी कांग्रेस में सहयोग करते, पूर्ण सहयोग करते। गांधी जी सविनय अवज्ञा के लिए आंदोलन देते हैं, जो किसानों की शक्ति स्वामी जी की है। हम कहा स्वामी जी की एक बार शक्ति को देखें कि वो बंगाल के अजय कुमार मित्र हो, प्रेमित्र उस कुमार
इंदुलाल याग्निक हो या पंजाब में सोहन सिंह बकना हो, उत्तर प्रदेश में चाहे जितने भी कितने भी प्रबुद्ध नेता हो, जिनके इससे डर गए, गांधी जी को किसका डर सता रहा था, नेहरू जी उनके साथ, मौलाना कलाम उनके साथ थे, राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ थे, विचारधारा की सारी पूंजी, धन की सारी पूंजी तो उनके किसानों के तृण से आंदोलन चला रहे थे। दोनों का यह पार्थक्य था, दोनों का यह भेद था। इस भेद को आज के भारत के समाज को समझना चाहिए। तो गांधी जी को कैसा डर सता रहा था, किससे भय, कौन सा भय व्याप्त था उनके मन में? स्वामी जी के किसानों का वो दल, वो लाल चोला, वो लाल पगड़ी, वो लाठी गांधी जी को डरा गई थी। वो समझ रहे थे कि पूरे भारत में यदि कोई मेरे समानांतर महात्मा की छवि में, योगनिष्ठ व्यक्ति की छवि में समाजवाद, मार्क्सवाद, वेदांत और 50 सभाएं, 450 अवसर सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले दिया। और ये स्वामी जी का होश था जिसने दो बार कांग्रेस के राष्ट्र को वापस ले, वो अपना रिजिग्नेशन इसके लिए राजेंद्र प्रसाद उनसे अनुनय विनय करने ले गए कि यदि आपने वापस ले लिया तो कांग्रेस की दुर्गति कितनी होगी बिहार में और दूसरे राज्यों में क्या होगी, कांग्रेस की सरकारें ही नहीं बन पाएगी अंतिम सरकारें। स्वामी जी ने कांग्रेस के हित में निर्णय लिया। स्वामी जी के बारे में दो तीन बिंदु में और कहकर इस भाषण को समाप्त करना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, 1939 द्वितीय विश्व युद्ध जारी था और स्वामी जी कह रहे थे कि ये वही काल है जब हमें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए। सुभाष बोस का 1940 में हर स्थिति में भारत में होना चाहिए था और भारत के माध्यम से ये लड़ाई जीती जा सकती है, साम्राज्यिक शक्तियों के मदद से भारतवर्ष के राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। स्वामी जी वहां रहे, वो जेल में रहे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे पहली बात की। कांग्रेस ने 2 साल बाद उस लड़ाई को आगाज किया, आवाज दिया और स्वामी जी ने इस पर दुख व्यक्त किया कि मुस्लिम लीग को सशक्त होने का हमने इन 2 सालों में मौका दिया। यदि यह लड़ाई 1939 में होती तो न लीग सशक्त होता, न भारत का विभाजन होता और 42 तक क्रिप्स प्रस्तावों के माध्यम से भारत के स्वाधीनता को लटका कर रखने की अंग्रेजों की जो दुराग्रह की नीति थी वो कभी सफल नहीं हो पाती। भारत का विभाजन इसलिए हुआ शायद कि स्वामी जी की आवाज को हमने सही वक्त पे समझा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने नजरअंदाज किया। जिस रूप में देश को आजादी मिली, स्वामी सहजानंद सरस्वती उससे संतुष्ट नहीं, उसका एक गंभीर कारण और उस गंभीर कारण को केवल और केवल स्वामी जी ने ही उजागर किया कि संविधान सभा के जो चयनित मनोनीत जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन कर भेजे नहीं गए और वो इसलिए भारतवर्ष को सही रूप में वो प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इसमें किसानों का, मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं शामिल है और इसलिए एक ऐसा संविधान संभवतः बनने जा रहा है जो संविधान भारत के हित में कितना कार्य करेगा यह शंका का विषय रहेगा। स्वामी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है और क्यों प्रासंगिक है उसके 3 कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला कारण यह है कि एक तरफ देश अंतरिक्ष विज्ञान में, स्वास्थ्य विज्ञान में नहीं कि भारत के जिस संविधान और लोकतंत्र को, जिस प्रकार के वेदांतिक समाजवाद पर आधारित लोकतंत्र को स्वामी जी महत्वपूर्ण मानते थे, जनमानस का लोकतंत्र, न्याय का लोकतंत्र, विश्वास का लोकतंत्र, व्यक्ति की सही अर्थ में अंतःकरण के धार्मिक स्वतंत्रता का लोकतंत्र, वह लोकतंत्र हमारे राष्ट्र में स्थापित नहीं हो सका, इसलिए स्वामी जी का विचार आज भी प्रासंगिक है। और तीसरे महत्वपूर्ण कि राजनीति में त्याग की प्रवृत्ति जो स्वामी जी ने उठाई, भगवत पुराण से उनको प्रेरणा मिली थी कि मैं वह सन्यासी नहीं बनना चाहता जो अपने व्यक्तिगत मोक्ष और निर्वाण के लिए वन में जाऊं,
हिमालय में जाऊं, बीच रहकर समाज का उत्थान करना चाहता हूं, और यदि निर्वाण और मोक्ष मिले तो संपूर्ण रूप में संपूर्ण समाज को मिले, संपूर्ण राष्ट्र को मिले। इसलिए स्वामी जी की राजनीति में जो त्याग वृत्ति की जो आवश्यकता है, वह त्याग वृत्ति आज के भारत के समाज को अपनाने की जरूरत है। इसलिए स्वामी जी का विचार आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। भाइयों एवं बंधुओं, हम ये जानते हैं कि हम में अनंत प्रतिभा है, एक एकजुटता रखनी है, और हम इतिहास के वही गौरवशाली ब्राह्मण कैसे बने जो राष्ट्र का भर्ता, राष्ट्र का कर्ता, राष्ट्र का धर्ता, राष्ट्र का नियामक, राष्ट्रनीति का नियामक और राष्ट्र के महारक्षक शक्ति के रूप में दोबारा उभर कर आए। हम देशस्थ हो, हम चित्पवन हो, हम मोहियाल हो, हम त्यागवीर ब्राह्मण हो, हम भूमिहार ब्राह्मण हो, ये विशेषणों की अपन को नई ऊर्जा दे, किरणवंत ग्रहण करें, हमारा समाज स्वयं ऊपर उठेगा। धन्यवाद, आपने आज ये जो अवसर दिया उसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभारी हूँ, और एक बार स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए मैं वंदे अन्नदातारम जो मंत्र मैडम ने मंत्र कहा, उस मंत्र क्रिया से ही है, और अन्नम ब्रह्म, अन्न स्वयं में ब्रह्म है, और हम उस अन्न को उपजाने के कारण भी ब्रह्मवंशी हैं। धन्यवाद।